बेदिया रोड में घर में सिलेंडर फटने से धमाका, दो खातीन झुलसकर जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से घर को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाका घर के अंदर हुआ, रेस्क्यू हुकाम, इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल। घरेलू झगड़े का अंधोनाक अंजाम, सादा के इलाके धूप सड़ी में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। 30 साल खालिदा बीबी की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। वाकया मियां बीवी के दरमियान झगड़े का शाखसाना है। पुलिस हुकाम, फॉरेंसिक टीम ने जाय वकूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। 23 फरवरी को शादबाग से अगवा होने वाला बच्चा, गुजरांवाला में कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जौहर से लाश बरामद कर ली। पंजाब हुकूमत का एंटी करप्शन का सरबराह मुकर्रर करने पर गौर, साबिक डीजी एंटी करप्शन मोहम्मद असलम घुम्मन का नाम जेरे गौर। डीजी एंटी करप्शन की सीट हुसैन असगर के रिटायरमेंट के बाद से खाली है। हुकूमत असलम घुम्मन के तजुर्बे से फायदा उठाएगी। नवाज शरीफ की सेहत का मामला, बर्फ पिघलने लगी। शरीफ फैमिली के साथ पंजाब हुकूमत के भी नवाज शरीफ को मनाने के जतन। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की डॉक्टरों के साथ कोट लखपत जेल में मियां साहब से अहम मुलाकात। हर मुमकिन इलाज की सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। लंदन के डॉक्टर्स को लाहौर बुलवाने की पेशकश। इलाज के लिए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने का भी इंदिया। नवाज शरीफ से अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, उनकी सेहत भी ठीक है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर शाहिद अमीन और डॉक्टर साकिब शफी का नवाज शरीफ को जल्द अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा। इलाज करवाऊंगा ना अस्पताल जाऊंगा, नवाज शरीफ की दूसरे दिन भी ना। घर वालों की आज फिर नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश नाकाम। वालिदा, भाई, बेटी और भतीजों को कोट लखपत जेल आमद। साबिक वजीर आजम का पीआईसी जाने से मुसलसल इनकार, बोले अस्पतालों के चक्कर लगाने से बेहतर है जेल में ही रहूं। तजहीक का निशाना नहीं बन सकता, इलाज की भीख नहीं मांगूंगा। चिंची रिक्शा अब हर सड़क पर नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के हुक्म पर मॉल रोड, केनाल रोड समेत दीगर सड़कों पर चिंची रिक्शों का दाखिला बंद। धर्मपुरा से जल्लो तक चिंची रिक्शों को चलने की इजाजत। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं चिंची रिक्शे हादसात का बाइस बनते हैं। चिंची रिक्शों की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। गुजार सरकार में सस्ती तालीम का ख्वाब अधूरा रह गया। नए तालीमी साल के लिए नई किताबें महंगी। दरसी कुतब की कीमत में 15% इजाफा। कागज महंगा होने के बाद कीमतें बढ़ी। पब्लिशर्स बुक सेलर्स एसोसिएशन का मौकफ, किताबें महंगी होने से तलबा और वालिदैन परेशान। और महकमा सोशल वेलफेयर के जेर एहतमाम सनतजार लाहौर में रंगारंग तकरीब। वजीर सोशल वेलफेयर अजमल चीमा ने इफ्तिताह किया। पंजाबी सकाफत को नुमाया करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए।